राजेश कुमार अपनी आंख का इलाज कराने के लिए दिल्ली गए हैं, इसीलिए खुश हैं क्योंकि अपनी आंख के इलाज करा लेने के बाद शायद उनको ये विश्व का सबसे बड़े स्तूप का नजारा देखने को मिलेगा। दिखाइए शांभवी, नीतीश जी की अगर आंख का इलाज हो जाएगा तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप उनके ही राज्य में है जिसके मुख्यमंत्री वो पिछले 16 वर्षों से हैं। आप बताइए हमको कि कौन से एंगल से ये आपको विश्व का सबसे बड़ा स्तूप दिख रहा है। जब भी केसरिया आते हैं यहाँ पर खड़े होते हैं तो लाज लगता है, जानते हैं क्या है? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक भी होटल नहीं है, एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है और ये विश्व के सबसे बड़े स्तूप के प्रांगण में पानी भरा हुआ है। और आप ये सोच सकते हैं कि हमारी सरकारों ने हमारे संस्कृति के लिए हमारे धरोहरों को कितना सजो कर रखा है। आप बस देखिए इसके अंदर लगे पानी को, जिसको बाढ़ नहीं कहा जा सकता है। प्रांगण के अंदर अगर पानी लगा है, घासें बढ़ी हुई है, तो इसमें किसका दोष है? क्या यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर को दोष दें हम, या जीवेश कुमार से ये पूछ लें कि आपने दरभंगा के बारे में भी कुछ नहीं किया और आपने केसरिया के बारे में भी क्यों कुछ नहीं किया? और आपको ये बताना चाहते हैं हम कि दोनों बगल से विश्व के सबसे बड़े स्तूप के दोनों बगल पानी लगा हुआ है। इस बगल दिखा दीजिए, एनएच के उस पार भी पानी है, एनएच के इस पार भी पानी है, और जिस केसरिया के विश्व स्तूप पर हम बिहारियों को फक्र होना चाहिए आज हमें शर्म आता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ की सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए क्योंकि यहाँ की सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे सब कुछ हो रहा है। अंदर आइए, यहाँ ये दिखाइए, यहाँ के विश्व के सबसे बड़े स्तूप को हमें अंदर नहीं घुसने दिया गया, लेकिन हमने सोचा कि आपको हम दिखा देंगे। ये दिखाइए इस पानी को, इस बढ़ते हुए घासों को, और तब मालूम पड़ेगा कि हमारी सरकारों ने एक धरोहर को संभालने के लिए क्या किया है। जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के लिए जा रहे होंगे तो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो बिहार में होने वाला है उसकी स्थिति ऐसी होने वाली है। जब भगवान बुद्ध यहां से गुजर रहे होंगे तो रुकते वक्त शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जिस स्तूप को पूरा विश्व देखने के लिए आ सकता है, जिस टूरिज्म को प्रमोट करके हमारा बिहार पैसे कमा सकता है, वहां पर ऐसी स्थिति क्यों हो गई? इसका जवाब दे आखिर कौन है? और हमारे मुख्यमंत्री साहब जाकर दिल्ली में अपने आंख का इलाज कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर सोचिएगा। इसके बाद यह सोचिएगा कि यहां का रख रखाव, यहां की साफ सफाई क्या सरकार नहीं कर सकती थी? और इसके बाद यह भी सोच लीजिएगा कि जिस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा धरोहर हो, उस राज्य में क्या टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया जा सकता है? उस राज्य में क्या यहां लोग आकर घूम नहीं सकते हैं? उस राज्य में यहां पर इस लोगों के बारे में पता नहीं है कि केसरिया का विश्व स्तूप यहां केसरिया में है? आप लोग को शायद पता नहीं होगा, लेकिन देखिए कि यहां की स्थिति, यहां की सरकारों ने क्या करके रखी है। यहां अंदर पानी लगा हुआ है, इस पानी को देखने वाला, इस विश्व के सबसे बड़े स्तूप को देखने वाला कोई नहीं है। यहां पर यहां के लोकल सोनू हनी मेरे साथ है, आइए सोनू। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप होना गर्व का बात है क्या आपके लिए? आप यहां रहते हैं, दो पहलू है। पहला पहलू कि ये जो है ना, ये स्थिति, ये गर्व का बात नहीं है। अगर वहीं अगर इसको उस हिसाब से अगर रखा गया होता तब शायद गर्व का बात होता। तो मतलब ये पानी है ना, ये पानी बाढ़ का नहीं है, ये बारिश का पानी है। ये बारिश का पानी है, मतलब निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। हम एक पल के लिए सोनू मान लेते हैं कि बाढ़ का पानी है, लेकिन घास तो कम से कम कटा हुआ होना चाहिए था, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, तो ऐसे हमेशा ही रहता है। हाँ, अभी हम जब से तो देख रहे हैं तब से कभी ये सब हम चीज देखे नहीं है। बहुत लोग कहता है कि तुम जब भी बौद्ध स्तूप के बारे में बोलता है तो खाली गलते बात काहे बोलता है, कुछ अच्छा बोलो। तो हम पूछना चाहते हैं उन लोग से कि क्या अच्छा बोले, क्या अच्छा बोले। हाँ, ये अच्छा मतलब है, क्या बोले अच्छा। पानी को झील बोल दे, जो खर है इसको गार्डन बोल दे, मतलब क्या अच्छा हो गया। पानी को झील बोल दू क्या, खर को गार्डन बोल दू क्या। वही चीज हम पूछते हैं कि मतलब इसमें क्या, हमको कुछ एगो अच्छा चीज बताइए जो कि हम बोले। एगो अच्छा चीज है कि बौद्ध का सबसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, उसके अलावा इसमें कुछ अच्छा नहीं। एक और सवाल बताइए, आगे पीछे के 2 किलोमीटर से हम लोग आ रहे हैं और आए का 2 किलोमीटर भी गए थे, 2 होटल था मात्र, एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं था। मान लिया कोई घूमने लाइन होटल है जो कि एनएच पे होता है, लाइन होटल है, मतलब सरकार के द्वारा यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया। एगो ये सामने खुला है, दिखाइए ये, इस सामने के बारे में बता दें हम, ये टूरिस्ट लोग के लिए बना था, लेकिन अब तक इसका रास्ता तय नहीं है। शाम यहाँ बाढ़ आया हुआ है, दिखा दीजिए। पानी देख रहे होंगे, जब से बना है तब से बन के कलर भी हुआ, कलर झरी हो गया, लेकिन अभी तक कोई गया नहीं है, ये रास्ते नहीं मिला अभी तक, ये लोग रास्ते खोज रहे हैं। और यहाँ मतलब एक दो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बस देखने के लिए है, ना कोई साफ सफाई करने वाला अंदर है, ना ही कोई पब्लिक टॉयलेट है, बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। तो इस पे नहीं लगता है कि मतलब यहाँ पे इतना सब कुछ सैलानी को प्रमोट किया जा सकता है, टूरिज्म मिनिस्टर चाहे तो यहाँ प्रमोट करके बिहार में, लोग बोलता है हम लोग गरीब राज्य है, तो माने यहाँ लोग घूमने आएगा तो पैसा खर्चा करेगा, तो ये सब नहीं आता दिमाग में। इस दिमाग में हम लोग के आने से क्या होता है, ये तो चाचा को ना सोचना पड़ेगा। अगर वो इस चीज को अगर उस हिसाब से करते तो आज इसका हाल, केसरिया का भी हाल कुछ और होता है। यहाँ भी इसके वजह से बहुत लोग, जितना आदमी बेरोजगार है बहुत आदमी को रोजगार मिल जाता, रोजगार के नाम पर एगो चाय का टपरी है जो पेड़ के पास है, हाँ बस वही एगो दुकान है यहाँ पे, यहाँ पे उस हिसाब का कोनो ना दुकान दौरी कुछ आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे होटल के नाम पर लाइन होटल है जो कि हर एनएच के पास होता है,
तो इसलिए नहीं है कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए नहीं है। वो एनएच के पास होता है इसलिए है वो भी। बस चलिए, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप आप एक बार फिर से देख लीजिए, वहाँ दो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं और इसके बाद यहाँ बाढ़ का पानी लगा हुआ है, जिसपे हम लोगों को फक्र होना चाहिए था कि हमारे बिहार में कुछ ऐसा है जो विश्व में सबसे बड़ा है। उस बात पर हमें कभी फक्र हो ही नहीं पाया। और नीतीश जी से आग्रह है कि सर जब अपना आंख दिखा कर आइएगा, और जब आप ये खड़ा होकर बोलते हैं कि आपने बिहार को इतना मतलब डेवलप्ड कर दिया, तो उस डेवलपमेंट का ये नज़ारा यहाँ पर पानी में जाकर थोड़ा नाच कर बताइएगा लोगों को कि यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है। और ये देखिएगा कि विश्व के सबसे बड़े स्तूप का हाल क्या है। अंदर पानी लगा हुआ है, घासें बढ़ी हुई हैं, और सोनू चौहानी ने बहुत शानदार बात कही कि हम इसका अच्छा बात बताने के लिए क्या कहें, इस पानी को झील बोल दें, इस खर को गार्डन बोल दें क्या। अब जनता जंक्शन देख रहे थे, केसरिया में अभी है, केसरिया को घूम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ के बाढ़ की स्थिति को कवर करने आए हैं जो आपको पहुंचाएंगे। कैमरे के बीच शाम्भवी शर्मा खड़ी है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।